हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मैकडाउन लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे आज हुए स्मैकडाउन लाइव के सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट और उनके रिजल्ट, वो भी अपनी मातृभाषा में। दोस्तों, आज स्मैकडाउन लाइव की शुरुआत होती है रेने यंग के सेगमेंट से। रेने यंग आती हैं और कहती हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर WWE चैंपियन एजे स्टाइल्स। दोस्तों, इतने में एंट्री होती है एजे स्टाइल्स और उसके बाद एजे स्टाइल्स से कुछ क्वेश्चन पूछना चालू कर देती हैं रेने यंग। रेने, एजे पिछले हफ्ते डेनियल ब्रायन ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया है। रॉयल रंबल आप डिफेंड करेंगे अपना WWE चैंपियनशिप 2-on-1 हैंडीकैप मैच अगेंस्ट केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। क्या आप डिसीजन से संतुष्ट हैं या फिर नहीं है? एजे स्टाइल्स, हर बार मैं इस रिंग में आता हूं और मैं प्राउडली कह सकता हूं, मैं इस रिंग में जब भी आता हूं तो बहुत बेहतर प्रदर्शन करता हूं, मगर मैं एक ह्यूमन हूं, मुझसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं और पिछले हफ्ते डेनियल ने मुझे सीरियसली ले लिया। जो भी मैं जो बोला उसे वापस नहीं किया जा सकता, ना ही उसे रोका जा सकता है। अब रॉयल रंबल में मुझे 2-on-1 हैंडीकैप मैच में लड़ना पड़ेगा। ये चांस है मैं अपना टाइटल लूज कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली ये चांस है मैं बीट कर सकता हूँ सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस को। दोस्तों, इतने पे क्राउड का बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स के ऊपर और पूरी क्राउड चैंट करती है एजे स्टाइल्स। दोस्तों, इसके बाद एजे स्टाइल्स कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बहुत अच्छे से बिलीव करते हो और मेरी स्ट्रेटजी भी एकदम सिंपल होने वाली है। हिट सो हार्ड एंड वेरी फास्ट, इतना तेजी से मारो कि उन्हें पता भी ना चले। मगर ये दोनों बड़े ही स्मार्ट हैं, ये प्रोफेशनल हैं, ये हमेशा मेरे सामने ऐसे मैन को टैग कर देंगे जो एकदम फ्रेश और ताज़ा हो। दोस्तों, इतने में रेने यंग बोल पड़ती हैं, एजे, क्या आप क्लियर आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं जो मैं पूछ रही हूँ? क्या डेनियल ब्रायन ने फेयर डिसीजन लिया हैंडीकैप मैच फॉर WWE चैंपियनशिप रॉयल रंबल में बुक करके? दोस्तों, उसके बाद पूरी क्राउड चैंट करने लगती है एजे स्टाइल्स और उसके बाद एजे स्टाइल्स कहते हैं, क्या जिस क्वेश्चन का आप आंसर पूछना चाह रही हैं क्या वो सही है रेने यंग? नो। वैसे सैमी और केविन ने मेरे ऊपर नॉन टाइटल विक्ट्री पाई, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजर्व करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच। अगर अलग अलग मैच दोनों को मिलता एक ही रात में तो मैं दोनों से ही एक ही रात में अलग अलग मैच में लड़ लेता, बट मेरे हिसाब से ये सही बुकिंग नहीं है स्मैकडाउन लाइव के लिए। दोस्तों, इन सब के बाद रेने कहती हैं, ओके जे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि डेनियल ने अपने फेवरेटिज्म की वजह से इन दोनों को इतना पुश दिया है? उसके बाद दोस्तों एजे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं और किस वजह से कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें घसीटा जा रहा है। रेने यंग, आप क्या सोचते हो इस बारे में? एजे स्टाइल, सुनो, पूरी बात यह है कि मैं अलाउ करूंगा इन दोनों इडियट्स को टू टेक माय WWE चैंपियनशिप टाइटल, बट मैं एक करके दिखाऊंगा, क्योंकि रॉयल रंबल में मैं इन दोनों इडियट को एक साथ लड़ने वाला हूं एक रात में एक ही मैच में टू डिफेंड माय टाइटल WWE, और मैं इन दोनों को ही हरा दूंगा। दोस्तों, इतने में एंट्री होती है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की। केविन ओवेंस आते ही कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां WWE चैंपियनशिप एजे स्टाइल के लिए, द फेनोमिनल एजे स्टाइल, जैसा कि ये अपने आप को हमेशा कहता है। एजे स्टाइल, ये तुम्हारे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होगा अगर तुम हम दोनों को ही बीट कर दो 2-on-1 हैंडीकैप मैच में। सैमी ज़ेन, यप, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है इस टाइटल को लेकर भागने के लिए इन 2-on-1 हैंडीकैप मैच। सैमी ज़ेन, यप, रॉयल रंबल की रात जब खत्म होगी तो हम पहली बार बनेंगे WWE को चैंपियनशिप इन WWE हिस्ट्री। सैमी ज़ेन, यप, हम बदल देंगे द प्लेस वेयर एजे स्टाइल लिव इन टू केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन शो। सैमी ज़ेन, यप, और अब ये केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन शो का, यप, सैमी ज़ेन, यप, केविन ओवेंस, यप, 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 यप। दोस्तों, इतने में एंट्री हो जाती है शेन मैकमैन की। दोस्तों, शेन मैकमैन आते ही कहते हैं, जो डेनियल ब्रायन ने डिसीजन लिया रॉयल रंबल के लिए 2-on-1 हैंडीकैप मैच फॉर WWE चैंपियनशिप टाइटल, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बट मैं इसको बदल नहीं सकता, मैं डेनियल ब्रायन के डिसीजन की इज्जत करता हूँ, बट आज रात के लिए हम कुछ हैंडीकैप खेल सकते हैं। तो आज हमारे सामने लड़ेंगे केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की टीम वर्सेस रैंडी ऑर्टन, शिंजुके नाकामुरा एंड एजे स्टाइल इन 2-on-3 हैंडीकैप मैच। सबके बाद दोस्तों में अगला मुकाबला बेकी लिंच वर्सेस रूबी रायट के बीच में देखने को मिलता है, जहां बेकी लिंच की तरफ से शार्लेट फेयर एंड नायोमी रिंग साइड में रहती हैं, तो वहीं रूबी रायट की तरफ से उनकी चेलियां रिंग साइड में रहती हैं। दोस्तों, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता है, यहां जीत होती है बेकी लिंच की। इन सबके बाद दोस्तों में द असेंशन वर्सेस ब्लजन ब्रदर्स के 4-man टैग टीम एक्शन देखने को मिलता है, यहां से आसानी से जीत दर्ज करते हैं ब्लजन ब्रदर्स। इन सबके बाद दोस्तों में मोजो रॉली वर्सेस जैक राइडर के बीच में US चैंपियन की अपॉर्चुनिटी के लिए फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच देखने को मिलता है। दोस्तों, एक अच्छा मैच हमें यहां से देखने को मिलता है, यहां पे जीत दर्ज करते हैं मोजो रॉली। इसके बाद दोस्तों में शेल्टन बेंजामिन एंड चैड गेबल का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां वो जस्टिस की अपील करते हैं टैग टीम टाइटल को लेके। दोस्तों, एक लंबा सेगमेंट हमें यहां देखने को मिलता है। अंत में दोस्तों में ये देखने को मिलता है कि डेनियल ब्रायन की एंट्री होती है और डेनियल ब्रायन हमें रॉयल रंबल के लिए इन दोनों ही टीमों के बीच में, यानी शेल्टन बेंजामिन चैड गेबल वर्सेस द उसोस के बीच में टैग टीम टाइटल के लिए 2-on-3 फॉल्स मैच फिक्स कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों में 4-man टैग टीम एक्शन देखने को मिलता है रूज़ेव एडन इंग्लिश वर्सेस ब्रिजांगो के बीच में। दोस्तों, एक जबरदस्त मैच हमें यहां से देखने को मिलता है, यहां से दोस्तों सबको आश्चर्यचकित करते हुए जीत होती है ब्रिजांगो की, वो भी दोस्तों रूज़ेव को पिन करके इस मैच को जीतते हैं वो। सबके बाद दोस्तों में आज का मेन इवेंट मुकाबला देखने को मिलता है 6-man टैग टीम एक्शन। दोस्तों, एक गजब और बवाल भरा मैच देखने को मिलता है, जिसमें दो दो बार बवाल हमें देखने को
को मिलता है। दोस्तों ये मैच हमें सैमी ज़ेन, केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन, शिंसुके नाकामुरा एंड एजे स्टाइल्स के बीच में 2-on-3 हैंडीकैप मैच देखने को मिलता है। दोस्तों मैच के 95% मोड में हमेशा एजे स्टाइल की टीम भारी रहती है केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन पे। दोस्तों शुरुआत में हमें यह देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल्स की टीम सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस को तबीयत से खूब खूंदती है, जिसके बाद दोस्तों केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन भागने की फिराक में रहते हैं। पर दोस्तों पीछे से एंट्री हो जाती है शेन मैकमैन की। शेन मैकमैन आते ही कहते हैं नो काउंटडाउन मैच है, इस मैच में दोस्तों काउंटडाउन नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल की टीम आती है फिर से सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस की खुनैया चालू कर देती है। उसके बाद दोस्तों फिर मुकाबला शुरुआत से चालू होता है और उसके बाद फिर सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस की खुनैया चालू हो जाती है। उसके बाद दोस्तों में यह देखने को मिलता है कि केविन ओवंस एक बड़ा कदम उठा लेते हैं, यानी स्टील चेयर से मारने लगते हैं, पहले रैंडी ऑर्टन को, फिर शिंसुके नाकामुरा को और उसके बाद रैंडी ऑर्टन को। इसके बाद दोस्तों मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसके बाद जीता घोषित कर दी जाती है एजे स्टाइल की टीम। पर दोस्तों उसके बाद फिर जब सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस जाने वाले रहते हैं, फिर दोस्तों एंट्री होती है शेन मैकमैन की और शेन मैकमैन आते ही फिर इस मैच को ना ही काउंटडाउन वाला मैच रहेगा और ना ही इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगा, किसी भी औजार से मार सकते हैं आप इस मैच में, ये घोषित कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों पीछे से एजे स्टाइल, रैंडी ऑर्टन एंड शिंसुके नाकामुरा समेत आते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस को तबीयत से खूब खूनते हैं। दोस्तों पहले तो केविन ओवंस को एजे स्टाइल लेके बैक स्टेज चले जाते हैं और उसके बाद शिंसुके नाकामुरा एंड रैंडी ऑर्टन तबीयत से पूरी भरास निकालते हैं केविन ओवंस को, पहले स्टील चेयर से और उसके बाद अपना अपना फिनिशिंग मूव लगाते हैं और इस मैच को आसानी से अपने नाम करते हैं। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है स्मैकडाउन लाइव के धमाकेदार शो का एपिसोड। मजा आ गया इस मैच को देखने में। तो दोस्तों अब आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको स्मैकडाउन लाइव में मजा आ रहा है कि नहीं। यार मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जिस तरीके से स्मैकडाउन लाइव भी एक अच्छी स्टोरी लेके चल रही है। दोस्तों रॉ और स्मैकडाउन दोनों बहुत अच्छे से स्टोरी लेके चल रही है और रॉयल रंबल के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों बस अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों आज की तो वीडियो को लाइक करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक आपने WWE वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू गाइज़।